तो ये जानना था कि यू हैव सीन एन एरा वेयर ऑल म्यूजिशियन सिट टुगेदर एंड वर्क। अब ऐसा हो गया है कि 10 बाय 10 के रूम में लोग स्टूडियो बनाते हैं, उसी बॉडी से ही सब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर लेते हैं। तो पर चक्कर ये कि दे आर वर्किंग विद अ कंप्यूटर, नॉट विद ह्यूमन बीइंग। तो वो एक स्किल शायद मे बी इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल अब उतना नहीं रहा जितना आपके टाइम में रहा, शुरू के टाइम में। तो उसके लिए कोई आप सजेशन देंगे कि आजकल के जो यंग म्यूजिशियंस हैं उनको क्या करना चाहिए कि कंप्यूटर में तो आप कर रहे हो जो कर रहे हो, पर ये दूसरों के साथ मिलना सी और मेनली क्या है कि नाउ इट्स अगर 10 बाय 10 रूम में इफ वी आर वी वांट टू जनरेट लार्ज साउंड एंड सी कीबोर्ड्स एंड वो सब से तो यू कैन जनरेट, बट एकॉस्टिक अगर रिकॉर्ड करना है तो एक तो मोस्ट डिसीविंग फैक्टर इज अ मेट्रोनम। सो क्या है कि पहले जो म्यूजिशियन एंड सिंगर एक साथ रिकॉर्ड करते थे तो जो कांस्टेंट ये जो इक्वेशन ऑफ एडजस्टिंग विथ ईच अदर और उसमें एक जो टोनालिटी एंड जो एक जो कोरसिंग जो साउंड बनता था। फॉर एग्जांपल अभी इवन रिवर्ब या वो ये जो गैजेट आ गए तो कोरसिंग करनी है तो कुछ एक साउंड एक फ्रेम पीछे लगा दो, एक साउंड एक फ्रेम आगे आगे लगा दो, ऐसा वो टेक्निकली करना पड़ता है टू जनरेट द कोरसिंग। लाइव में क्या होता है कि वो अपने आप एक फ्रेम कोई आगे आएगा एक फ्रेम पीछे जाएगा, बट देन फिर जो एक जो कोरस जो ग्रुप इफेक्ट जो आती है दैट ग्रुप इफेक्ट इज वेरी टफ व्हेन यू आर डूइंग अ मल्टी ट्रैकिंग साउंड। एंड एक तो हैबिट ये है कि यू डोंट हैव टू बी सो टाइट, थोड़ा इधर उधर एक स्विंग या जो एक जो झोल आवे ना तो उसकी मजा आती है। बट वो भी नाउ देर आर सम काइंड ऑफ अ क्वांटाइज पैटर्न, इसमें दे यूज दैट स्विंग एंड झोल एंड क्वांटाइज क्या है इतना मैकेनिकल कर देता है। सो सर्टन प्योरिस्ट फॉर एग्जाम्पल इवन सलीम या पैडी या जो ट्रू कीबोर्ड इज क्लिंटन, दे यूज वेरी लेस क्वांटाइज, दे बिलीव इन अ करेक्ट टेक। फिर वो इधर उधर जरा इधर उधर जो हुआ, क्योंकि अभी कान भी इतने शार्प हो जाते हैं ना व्हेन यू आर प्रोग्रामिंग, देन दे एडजस्ट हियर देयर सम नोट जो है सुन के। लेकिन जो लाइव प्लेइंग है वो दैट जनरेट्स सर्टन काइंड ऑफ लाइफ विद इन द ट्रैक। एंड इवन इफ यू आर डूइंग काइंड ऑफ 10 वायोलिन्स इन 10 बाय 10, 5 वायोलिन करो उसके बाद 5 ऐड करो एंड डोंट मेक देम ओवरली टाइट। बहुत टाइट ट्रैक लेने की जरूरत नहीं है, एक जो एक अच्छा एक जो फील एंड झोल आ गया तो उसके ऊपर एक फिर मल्टी ट्रैक करते रहो। तो क्या है कि वो जो लाइव जो फील है मीन्स वो अपने आप आएगी। एंड देन नाउ साउंड इंजीनियरिंग, फॉर एग्जाम्पल साउंड इंजीनियरिंग में यू विल फाइंड अ वेरी क्रिस्प काइंड ऑफ अ साउंड बिकॉज आइदर यू आर गिविंग अ इंडिविजुअल माइक्रोफोन टू वायोलिनिस्ट। एंड पहले तो क्या था कि कुछ 60 वायोलिन बैठ रहे हैं और सिर्फ तीन माइक से ऐसा ऊपर से वो हैंग करके वो 60 वायोलिन्स रिकॉर्ड किया, तो वो जो कोरसिंग जो चारों चार माइक रूम को भी पकड़ते थे। एंड आई विल टेल यू फिल्म सेंटर देन फेमस महबूब स्टूडियो वो लोगों के जो एकॉस्टिक जो नेचुरली जो बन गए थे ना तो उसमें स्ट्रिंग सेक्शन अनबिलीवेबल रिकॉर्ड होता था। अब तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, अभी टेक्नोलॉजी आ गई है तो यार वो स्टूडियो नहीं रहे। एंड सम स्टूडियोज पे भी ब्लेसिंग्स होते हैं, कोई कोई स्टूडियो आप कितना भी फॉर एग्जांपल जो भी टेक्नीशियन अपना एकॉस्टिक जनरेट कर दे ये वो, लेकिन जो नेचुरली एक जो स्टूडियो में जो एकॉस्टिक साउंड करते हैं वो जो स्टूडियो डिजाइनर है वो इतने एकॉस्टिक अचीव नहीं कर सकता है। नॉट हियर, इवन इवन इन यूके एंड यूएस ऑल्सो सम स्टूडियोज जो है वो उसके अंदर की एक एक आत्मा होती है।
फॉर मी एकॉस्टिक इज अ सोल ऑफ अ रूम. सो वो कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है. एंड जब नहीं मिलता है तो हाउ टू मैनोवर थ्रू साउंड एंड माइकिंग एंड हाउ यू कैन एटलीस्ट रेफरेंस. एंड वो जो कान के अंदर वो जो ट्रेडिशनल साउंड रहेगा तो वो रेफरेंस से भी रिकॉल करके अगर इफ़ यू डू अ परफेक्ट माइकिंग लिसन इट लाइव अगर इसमें कुछ स्ट्रिंग सेक्शन को कोई जो एब्सॉर्ब कर रहा है तो देन यूज वुडन प्लैंक्स. पहले तो सब डिफरेंट काइंड ऑफ वुडन पार्टीशन आते थे, दे वर यूजिंग वुडन पार्टीशन. एंड तो क्या है कि जो सर्टन रिफ्लेक्शन वुडन रिफ्लेक्शन लेना है, सर्टन एब्सॉर्ब साउंड को करना है, तो वो सब अभी दे आर नॉट यूजिंग पार्टीशंस. मैं बहुत से स्टूडियो में, स्पेशली एडवर्टाइजिंग स्टूडियो में, कोई पार्टीशन ही नहीं है क्योंकि एवरीवन इज नाउ काइंड ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द सैंपल एंड लाइव साउंड. बट जो एकॉस्टिक करना है तो देन रिकॉर्ड इट प्रॉपरली एंड धीरे धीरे बिल्ट होता है. मीन्स फॉर एग्जांपल ये तो अच्छा है कि इंडिपेंडेंटली म्यूजिशियन बजा रहे हैं, बट सोल वहाँ का जो एक साथ जो बजा रहे हैं उसका कैप्चर करने के लिए वी हैव टू बी मोर काइंड ऑफ थोड़ा जिद्दी होना पड़ेगा उसके लिए. तो एक लास्ट चीज आपके साथ कि आज के म्यूजिशियंस जो हैं यंग 20s 30s में जो भी यू नो प्रोड्यूसर हैं कंपोजर हैं, आजकल तो सब कंपोजर प्रोड्यूसर एक ही आदमी है. तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको किस टाइप का म्यूजिक भी सुनते रहना चाहिए कि आज तो यूट्यूब पर सब अवेलेबल है, तो किस टाइप का म्यूजिक उनको सुनना चाहिए? मेरे ख्याल से दे शुड लिसन ऑल काइंड ऑफ म्यूजिक फ्रॉम इंडियन क्लासिकल से लेके फोक फ्रॉम ग्रीस और टर्की, और फोक म्यूजिक भी बहुत सुनना चाहिए. एंड अभी क्या है कि बिकॉज ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ द साउंड, क्योंकि अभी साउंड जो है वो जो सैंपल में वाई दे आर लाइकिंग दैट पर्टिकुलर सैंपल, क्योंकि सैंपल को जिस तरह से रिकॉर्ड किया है एंड जो प्रोसेस किया है वो उसकी जो एक जो एक एक जो खासियत जो है वो खासियत को सबसे पहले एनालाइज करना चाहिए कि भाई आई एम लाइकिंग दिस साउंड. एंड इवन इन म्यूजिक, म्यूजिक इजीली लाइकेबल तो होता है बट एनालिटिक वो भी होना पड़ेगा कि भाई आई एम नॉट लाइकिंग दिस म्यूजिक. वो एनालिसिस बहुत ज़रूरी है बिकॉज फर्स्ट यू शुड एक्सेप्ट ईच एंड एवरीथिंग विच इज हैपनिंग, इवन ट्रैश ऑल्सो एंड गुड ऑल्सो एंड रोमांटिक. ये वो म्यूजिक में तो अभी सब प्रकार के भाव एक्सप्लोर हो चुके हैं, तो यू शुड एनालाइज एंड देन व्हाट यू वांट टू डू. फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, व्हाट इज माय ओन इनर टेस्ट इनर कॉल, विच काइंड ऑफ म्यूजिक आई वांट टू प्रोड्यूस. ट्राई टू फाइंड आउट योर ओन सेल्फ through a different music and then arrive at the one point ke where you can evolve yourself. So wo bahut zaruri hai and sunna to sab chahiye. I think aisa particular cheez jo sunte rahoge to koi nayi cheez aayegi to acceptance bhi nikal jata hai. I mean one is you kind of a listen different kind of music for entertainment, for enjoyment, and try to practice how you are kind of using your ears to learn music from the soundtrack which has been jo already ho gaya hai. Isme se kaise kya khasiyat hai, how they have done it, sound engineer for example now. अभी साउंड इंजीनियर एंड प्रोग्रामर्स एंड वो भी एक मर्ज हो गए, लॉट्स ऑफ प्रोग्रामर्स आर नाउ साउंड इंजीनियर. सो वो तो बहुत बड़ी बात है. तो फॉर एग्जांपल म्यूजिक भी अभी साउंड रह गया है, इट हैज़ बिकम साउंड. सो एज अ साउंड व्हाई यू आर लाइकिंग दैट म्यूजिक, एज अ काइंड ऑफ अ कंपोजिशन व्हाई यू आर लाइकिंग द म्यूजिक, वो
अंदर एनालिसिस चलता रहेगा ना, इतना मजा आएगा। थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम, थैंक यू, एंड आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। अरे अरे नहीं यार, थैंक यू सर, आई हैव लर्न फ्रॉम लॉट्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड, और मजा ये क्या है कि एक मित्र भी दूसरे मित्र को सिखा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट बैठे और कुछ बातचीत हुई, तो आई हैव लर्न फ्रॉम इवन यंगस्टर्स ऑल्सो के हाउ दे कम्युनिकेट, एंड टच वुड दे आर कम्युनिकेटिंग वेरी वेल विथ मी। सो इट्स अ कॉन्स्टेंट लर्निंग प्रोसेस तो है ही, एंड कभी कभी मित्र से जो एंड जो न्यू जनरेशन से जो सीखने को मिलता है वो किताबों में भी नहीं होता है, बिकॉज दे आर काइंड ऑफ शेयरिंग देयर ईगर एंड क्यूरियोसिटी, सो उसकी मजा है। थैंक यू, बराबर बराबर जो एकदम बस सोच है नहीं। सारू तो बच्चे उधरस उधरस ना।